लोक स्मार्ट न्यूज चैनल के स्टूडियो से नमस्कार करते हुए बता रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोक स्मार्ट न्यूज चैनल के प्रभारी जो जितेंद्र उपाध्याय द्वारा एक रिपोर्ट के साथ एक उन्होंने रिपोर्ट किया कि ताजुब है कि योगी राज में भी आपको उत्तर प्रदेश में बलात्कार की कई घटनाओं के साथ साथ एक बिहार से सटे छपरा के सटे जनपद या कह सकते हैं आपको बलिया जनपद में एक मामला एक आया कि एक लड़की बच्ची जो शौचालय के लिए जा रही थी ये बांसडी कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली थी और ये पीड़िता के अनुसार ये गई शौचालय में गई तो कुछ अपराधियों ने इनका मुंह बांध करके इनके साथ रेप करने की बात बताई जा रही है, जिसमें सीधा आप वहां के एसपी साहब बलिया जनपद के एसपी साहब का भी बयान है और ये भी जो लड़की जो पीड़ित लड़की का सीधा बयान देखे आप ताजुब करेंगे आप। ये रिपोर्ट लोक स्मार्ट न्यूज चैनल यूपी का रिपोर्ट। मैं जब बाहर जा रही थी तो कुछ लोग पाछे से आकर मेरा आंख बंद कर और मेरा मुंह लेकर चले गए और कह रहे थे कि ना कि किसी से बोलोगे तो तुम्हारा वीडियो बना कर वायरल कर भेज देंगे और उन लोगों ने मेरा रेप कर कहा कि पैसा ये रख लो अपनी मम्मी से मत कह। हाँ कितने आज दिनांक 6 सितंबर 2021 को दोपहर में थाना बांसडी जनपद बलिया में सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की के साथ में चार लड़कों द्वारा गलत काम किया गया है। इस सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उन चारों लड़कों को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।